प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज दिसंबर 22 तारीख है, यानी क्रिसमस की तैयारी में हमारे 22वां दिन। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए, ताकि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों की सेवा करें। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिन्हें प्यार करते थे उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, कलीसिया में सेवा शुश्रूषा करने के लिए उन्हें नियुक्त करते हैं। यानी एक पुरोहित या एक धर्माध्यक्ष का सबसे मुख्य कार्य है कि सुसमाचार सुनाना, रोगियों को चंगा करना और कलीसिया में सेवा शुश्रूषा करना। यह एक ईश्वरीय बुलाहट है, यानी पुरोहिताई एक ईश्वरीय बुलाहट है। मनुष्य स्वयं नहीं चुनते हैं, ईश्वर हजारों में से एक को चुनता है ताकि वो ईश्वर के साथ रहे, लोगों की सेवा शुश्रूषा में अपनी जिंदगी को समर्पित करें। इब्रानियों के नाम पत्र में हम एक प्रधान पुरोहित की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रधान याचक मनुष्य में से चुना जाता है और ईश्वरीय संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले फटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप एक गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याचक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। वचन साफ शब्दों में हमसे कहते हैं कि प्रत्येक पुरोहित या धर्माध्यक्ष ईश्वर द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि वे ईश्वर के और इंसान के बीच मध्यस्थ बने, इंसान की प्रतिनिधि बनकर ईश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाए, उनके पुकार ईश्वर तक पहुंचा सके और ईश्वर की आवाज लोगों तक पहुंचा सके। उनके जिंदगी में यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक मध्यस्थ बनना इंसान और ईश्वर के बीच। वे स्वयं दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि वे इंसान हैं, इस धरती पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। इसलिए वचन साफ शब्दों में हमसे कहते हैं कि हमें अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें अपने पुरोहितों की सम्मान करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ, ना कि आहें भरते हुए पूरा कर सके। हमें अपने आध्यात्मिक नेताओं के लिए प्रार्थना करना है और उनके अधीन रहना है, ताकि वे खुशी के साथ दिल से लोगों की सेवा कर सके। जब उनका सम्मान किया जाता है, जब उन्हें ईश्वर और इंसान के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, जब उन्हें इंसान के प्रतिनिधि के दर्ज दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, तो वे खुशी के साथ अपनी सेवा कर पाएंगे।
खुशी के साथ अपने जीवन को ही लोगों की सेवा में समर्पित कर पाएंगे। इसलिए हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थ बनकर ईश्वर का जन्म हमारी जिंदगी में लाने के लिए, ईश्वर का जन्म हमारे जिंदगी में संभव करने के लिए वे हर संभव कोशिश करते रहें। हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति देने के लिए पुरोहित और धर्माध्यक्ष हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं और उसी प्यार का एहसास दिलाना ही उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें प्यार करने के लिए ईश्वर का जन्म इस धरा पर हुआ है, क्योंकि वो इम्मनुअल है, ईश्वर हमारे साथ है। आमीन।